क्लास, आज हम लोग अपनी आकृति हिंदी पाठमाला का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है नन्हे चूजे की दोस्त। ये चैप्टर हमारा एक बिल्ली और एक नन्हे चूजे की कहानी पर आधारित है। इसके पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर की जो कविता है जिसका शीर्षक था मन करता है, इस चैप्टर में हमने आपको पूरी इस कविता की व्याख्या आप लोगों को सुनाई और पूरा रीडिंग लगाया। फिर सारा कविता आप लोगों को पढ़ने के बाद, व्याख्या सुनने के बाद, फिर हमने आप लोगों को ये एक्सरसाइज करा दिया, शब्दार्थ करा दिया। ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब अगला चैप्टर है हमारा नन्हे चूजे की दोस्त, जो कि एक कहानी है एक बिल्ली की और एक चूजे की, जिसमें चूजा और बिल्ली आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए इस कहानी का हम रीडिंग लगाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। एक थी बिल्ली, चमकीली आँखों वाली गोल मटोल, काली काली मूँछ थी उसकी और सफ़ेद सफ़ेद मूँछ, काली काली पूँछ थी उसकी और सफ़ेद सफ़ेद मूँछ। देखने में वह बहुत अच्छी लगती थी, शेर की मौसी जो ठहरी। बिल्ली को क्या कहा जाता है? बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है, कहा जाता है ना। बिल्ली क्या है? बिल्ली शेर की मौसी है। बिल्ली रोज़ सुबह शिकार के लिए घर से निकल पड़ती। बिल्ली क्या करती थी? रोज़ सुबह शिकार के लिए घर से बाहर निकल जाती थी। वह चूहे, खरगोश और छोटी चिड़ियों की शौकीन थी। वह किसका शिकार करती थी ज़्यादा से ज़्यादा? वह ज़्यादा से ज़्यादा चूहों का, खरगोश का और छोटी चिड़ियों का शिकार करती थी। उसे अच्छा लगता था इन सबों का शिकार करना। कभी कभार मेंढक और गिलहरी भी खा लेती। जब ये सब नहीं मिलता और अब उसे भूख लगती तो वो क्या करती? कभी कभी मेंढक और गिलहरी भी शिकार कर लेती। एक सुबह एक नन्हा मुन्ना नरम रुई के गोले जैसा चूजा अकेले खेल रहा था। अब देखिए, एक सुबह मतलब एक दिन सुबह सुबह जब बिल्ली निकली घूमने के लिए तो क्या देखती है कि एक नन्हा मुन्ना नरम रुई के गोले जैसा चूजा अकेला खेल रहा है। वह अकेला खेल रहा था। वह उसे पकड़ने के लिए दबे पांव उसकी ओर बढ़ने लगी। कौन? बिल्ली। बिल्ली क्या करने लगी? चूजे को पकड़ने के लिए दबे पांव उसकी ओर बढ़ने लगी। जब वह उसके पास पहुंची तो चूजा उसे देखकर जरा सा भी नहीं डरा। क्या किया? जब वह चूजे के पास पहुंची तो वो चूजा क्या किया? उसे एक बिल्कुल भी डरा नहीं। चूजे ने पहली बार बिल्ली देखी थी, वह उसे बहुत अच्छी लगी। अभी वो क्यों नहीं डरा चूजा? क्योंकि चूजा अज्ञान था, उसे भय नहीं लग रहा था। उसे ये भी पता नहीं था कि बिल्ली क्या होती है, इसलिए वह बिल्ली को कभी देखा भी नहीं था उसके पहले, इसलिए वह बिल्ली से नहीं डरा। उसे देखकर बिल्ली बहुत अच्छी लगी, इसलिए चूजा बिल्ली को देख के बिल्कुल भी नहीं डरा। चूजा किलकारियाँ भरने लगा, चू 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 करके बिल्ली के चारों तरफ घूमने लगा। चूजा क्या करने लगा? किलकारियाँ भरने लगा, मतलब मस्ती में खेलने लगा और चूचू चूचू करके बिल्ली के चारों तरफ खेलने लगा, घूमने लगा। वह कभी बिल्ली की पूंछ पकड़ने की कोशिश करता तो कभी उसकी मूंछ। बिल्ली को भी उसकी शरारतें बहुत मन भाई। वह भी म्याऊं म्याऊं करके चूजे के साथ खेलने लगी। चूजा और बिल्ली खेलने में मस्त थे, तभी मुर्गी माँ वहाँ आई। चूजा और बिल्ली खेलने में मस्त थे, तभी मुर्गी माँ वहाँ आई। मुर्गी माँ किसको कह रहा है? चूजे की माँ को। चूजे की माँ को कह रहा है कि जब वो खेलने में मस्त थे तभी चूजे की माँ वहाँ आ गई। वह अपने बच्चे को बिल्ली के साथ देखते देख घबरा गई। वह अपने बच्चे को बिल्ली के साथ खेलते देख घबरा गई। अब जब बिल्ली ने देखा कि मेरा बच्चा मुर्गी ने देखा कि मेरा बच्चा बिल्ली के साथ खेल रहा है तो वह एकदम से घबरा गई। क्यों घबरा गई? उसे डर हो गया कि कहीं वह बिल्ली मेरे चूजे को खा ना जाए। ठीक, मुर्गी समझ रही थी कि बिल्ली चूजे को खा जाएगी।
अब ये समझने वाली बात है, अमूमन सी बात यह है कि जब चूजा और बिल्ली एक साथ खेलेंगे तो चूजे को बिल्ली खा ही जाएगी। घबराहट में वह रोने लगी। कौन? मुर्गी। मुर्गी घबरा कर रोने लगी कि मेरे बच्चे को कोई बचा लो, मेरे बच्चे को ये बिल्ली खा जाएगी। ठीक। बिल्ली ने सोचा मुर्गी को समझाना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्ली ने क्या सोचा? बिल्ली ने सोचा कि मुर्गी को हम क्यों न समझाएं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं खाऊंगी। बिल्ली मुर्गी की ओर बढ़ी। बिल्ली क्या की? मुर्गी की ओर बढ़ी। चूजा उचक कर बिल्ली की पीठ पर बैठ गया। चूजा क्या किया? उचक कर बिल्ली की पीठ पर बैठ गया। अब तो मुर्गी और भी डर गई। अब जब वो उसकी पीठ पे बैठा तो मुर्गी और डर गई, क्योंकि मुर्गी को बिल्ली पे थोड़ा भी भरोसा नहीं था, क्योंकि वह अब उसके चूजे को खा जाती। बिल्ली ने मुर्गी से कहा, नहीं नहीं डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो। बिल्ली ने मुर्गी से कहा, नहीं नहीं डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो। तो अब जब मुर्गी डर गई तो डर के मारे वो रोने लगी, और बिल्ली मुर्गी को समझाने लगी कि तुम बिल्कुल भी डरो मत, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करूँगी, एकदम तुम्हारे बच्चे को नहीं हम टच करूँगी, वो मेरा दोस्त हो गया है, मैं इसे नहीं खाऊँगी, यह तो बहुत प्यारा है। क्या बोली? बिल्ली बोली मुर्गी से कि मैं इसे नहीं खाऊंगी, यह तो बहुत प्यारा है, मुझे भी इससे प्यार हो गया है। बिल्ली ने क्या कहा? बिल्ली ने कहा कि तुम डरो मत। किससे? मुर्गी से कहा कि तुम डरो मत, मैं इसे खाऊंगी नहीं, यह तो बहुत प्यारा है और मुझे इससे प्यार हो गया है, लगाव हो गया है, मैं इसे कैसे खा सकती हूँ। चूजा कूद कर माँ के पास आ गया। चूजा क्या किया? अब जब वो बिल्ली की पीठ पे बैठा था तो वो कूद के माँ के पास अपने आ गया। मुर्गी की जान में जान आई, मुर्गी की जान में जान आई। मुर्गी ने उसे जी भर के लाड़ किया। अब मुर्गी जब अपने चूजे को पा गई तो उसे लगी दुलारने, पुचकारने, लाड़ प्यार करने, एकदम से भयभीत तो थी ही वह, तो अपने बच्चे को पा के एकदम दुलार करने लगी। बिल्ली अब भी वहीं थी। बिल्ली क्या था? बिल्ली अब भी वहीं थी। चूजा दौड़कर बिल्ली के पास गया और बोला। चूजा क्या किया? दौड़ के बिल्ली के पास गया और जाकर बिल्ली से बोला, आज से तुम मेरी दोस्त और मैं तुम्हारा, आज से तुम मेरी दोस्त और मैं तुम्हारा। बिल्ली को बहुत अच्छा लगा। बिल्ली को क्या हुआ? बहुत अच्छा लगा। फिर तो धीरे धीरे सब उसके दोस्त बन गए। फिर बिल्ली का क्या हुआ? बिल्ली के सब लोग धीरे धीरे दोस्त बन गए। क्यों? क्योंकि बिल्ली ने जानवरों को मारना छोड़ दिया था। उसने चूजों को, मुर्गियों को, किसी को भी मारने के लिए कोई भी कारण नहीं दिखा, क्योंकि सब अच्छे थे और सब उसके साथ खेलते थे, सब उसके दोस्त बन गए। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर जो कि अब समाप्त होता है। हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, शब्दार्थ है, इसे आप लोगों को अपने नोटबुक में लिखना है। ये पीडीएफ के माध्यम से भी आप लोगों के पास जाएगा, लेकिन वीडियो में हम इसलिए दिखा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग वीडियो से भी तैयार करेंगे। नरम, नरम का अर्थ होता है मुलायम। दबे पाँव का अर्थ होता है धीरे से। कोशिश का अर्थ होता है प्रयास। मस्त का अर्थ होता है अपने आप में खोए रहना। घबरा गई का अर्थ होता है डर गई। जी का अर्थ होता है मन। लाड़ का अर्थ होता है प्यार। तो ये आप लोग शब्दार्थ देखिए, आप लोग शब्दार्थ अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। उसके बाद शब्दार्थ लिखने के बाद आप लोग एक्सरसाइज देखिए। ये एक्सरसाइज आप लोग बुक में ही भरेंगे और बुक से ही पढ़ेंगे, इसे कॉपी में नहीं लिखना है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। शेर की मौसी कहलाती है कौन? मुर्गी, बिल्ली, चिड़िया या सभी? तो शेर की मौसी कौन कहलाती है? बिल्ली। इसलिए इस आप पहले दूसरे वाले ऑप्शन पे सही का टिक लगाइए। बिल्ली क्या खाने की शौकीन थी? छोटे चूहे, खरगोश, छोटी चिड़िया या सभी? तो चौथे वाले ऑप्शन पे टिक लगाइए, ये सभी। चूजे ने बिल्ली को देखकर क्या किया? चीख मारी, किलकारी मारी,
दौड़ लगाई या हंसने लगा। तो क्या किया, चूजे ने बिल्ली को देखकर किलकारी मारी। इस पे आप लोग सही का लगाइए चिन्ह। अगला है, चूजा क्या पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तितली, बंदर, मधुमक्खी या बिल्ली की पूंछ। क्या पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बिल्ली की पूंछ, ये वाला ऑप्शन सही है। इस पे आप लोग सही का निशान लगाइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो ये खाली स्थान है आप लोगों की बुक में दिया होगा, ये खाली हमने भरा है, तो आप लोग ये देख के आप लोग अपनी बुक में भरेंगे। कभी कभार मेंढक और गिलहरी भी खा लेती, यहाँ भरेंगे मेंढक और यहाँ भरेंगे गिलहरी। चूजा उसे देखकर जरा भी नहीं डरा, यहाँ लिखेंगे जरा भी। चूजे ने पहली बार बिल्ली देखी थी, क्या किया था, चूजे ने पहली बार बिल्ली देखी थी। चूजा और बिल्ली खेलने में मस्त थे, चूजा और बिल्ली खेलने में क्या थे, मस्त थे। चूजा उछककर बिल्ली की पीठ पर बैठ गया, चूजा उछककर बिल्ली की पीठ पर बैठ गया, यहाँ लिखेंगे उछककर। सही या गलत लिखो, बिल्ली की पूंछ सफ़ेद थी, गलत। बिल्ली को देखकर चूजा डर गया, गलत। बिल्ली को चूजे की शरारतें मन को भा गईं, सही। मुर्गी को लगा बिल्ली उसके बच्चे को खा जाएगी, सही। अंत में बिल्ली व चूजा दोस्त बन गए, सही। ठीक है, अब किसने किससे कहा, नहीं नहीं डरो मत, बिल्ली ने मुर्गी से, आज से तुम मेरी दोस्त और मैं तुम्हारा, चूजे ने बिल्ली से। ठीक है, देखिए ये आप लोग अपनी बुक में ही भरेंगे और बुक से ही पढ़ेंगे एक्सरसाइज। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन आंसर, जो कि आप लोगों का पीडीएफ के माध्यम से जाएगा। तो ये चैप्टर आप लोगों का आज समाप्त होता है, अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर को फिर से एक बार रीडिंग कीजिएगा, पूरा रीडिंग करने के बाद इसका शब्द अर्थ और पूरा एक्सरसाइज आप लोग बुक में भी भरेंगे, और शब्द अर्थ को नोटबुक में लिखना है जो पीडीएफ के साथ जाएगा आप लोगों के। लेकिन ये जितना भी एक्सरसाइज हमने दिखाया आप लोगों को भरवाया है, ये आप लोग बुक में ही भरेंगे और बुक से ही पढ़ेंगे, एग्जाम की तैयारी एक्सरसाइज से बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले क्लास में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना अच्छे से इस चैप्टर का तैयारी कीजिए, पूरा रीडिंग लगाइए, रीडिंग लगाने के बाद पूरा इसे समझिए, फिर शब्द अर्थ लिखिएगा, क्वेश्चन आंसर लिखिएगा नोटबुक में, और जितना भी एक्सरसाइज है सब बुक में भर के बुक से ही आप लोग एक्सरसाइज पढ़िएगा। ठीक है, तब अब अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।